नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के महाकाल लोक निर्माण हादसे के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय की टीम मूर्तियों का निरीक्षण करने गए। टीम ने आज भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर महाकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो उसे कांग्रेस उसके साक्ष्य सरकार के सामने उपस्थित करे, मगर कांग्रेस ने 24 घंटे में ही तमाम प्रस्तुत कर दिया। भूपेंद्र सिंह ने जहां चाहे वहां हम साक्ष्य का उपस्थित हो जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी महिला मंडल कहती रही कि महाकाल लोक हमारा है, महाकाल लोक का टेंडर कांग्रेस की सरकार में हुआ, बीजेपी ने कम से कम यह स्वीकार किया, नहीं तो वो मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे। वही कहा कि शिवराज सरकार में योजना के लिए अनुमानित लागत 91.71 करोड़ थी, जिसे कांग्रेस सरकार आने के बाद कमलनाथ ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 300 करोड़ स्वीकृत किया था, जिसे 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया गया। वही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार पर कहा कि FRP की प्रतिमाओं में उपयोग की जाने वाली नेट की मोटाई 1200 से 1600 ग्राम GSM की होना चाहिए, मगर महाकाल लोक में स्थापित की गई प्रतिमा उसमें 150 से 200 ग्राम GSM की चाइनीज नेट का उपयोग किया गया, जो कि थोड़ी ही आंधी को भी नहीं झेल पाए। वहीं कहा कि प्रतिमा को बिना फाउंडेशन के 10 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर सीमेंट से जोड़ा गया था, इसी कारण 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हल्की रफ्तार की हवा में प्रतिमा गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कहा कि कलेक्टर का कहना है कि हम इन मूर्तियों को रिपेयर करके दोबारा लगाएंगे, मगर हिंदू धर्म में स्पष्ट है कि मंदिर परिसर में खंडित मूर्तियां लगाना वर्जित है। जो बाकी की मूर्तियां लगी हुई हैं उनके अभी से कलर उतर रहे हैं। महाकाल लोक निर्माण की निरीक्षण करने गई हमारी 5 सदस्यीय टीम में मूर्तिकार भी हमारे साथ थे। महाकाल लोक की महिमा मंडल कर बीजेपी वोट की राजनीति करती है। बीजेपी द्वारा भ्रष्टाचार का लाइव टेलीकास्ट भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह बीजेपी ने महाकाल लोक निर्माण का शुभारंभ किया था। वहीं सज्जन सिंह ने कहा कि जब मूर्तियां लगाई गई थी वह लैब होना चाहिए था, मगर वह लैब नहीं लगाई ताकि बीजेपी भ्रष्टाचार कर सके। उज्जैन में स्थानीय सिंधी समाज द्वारा 25 फीट ऊंची मूर्ति उसी मटेरियल से बनी हुई का निर्माण 4,11,000 में कराया गया। वहीं बीजेपी ने महाकाल लोक में 15 फीट ऊंची प्रतिमा का भुगतान 10,02,000 रुपए में किया है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार हुआ और जिस तरह से वहाँ स्वप्न ऋषि की प्रतिमाएं एक हल्के फुल्के हवा से गिर गई और क्षतिग्रस्त हुई, उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने एक टीम कांग्रेस की बनाई थी जो वहां जाके देखें, कारण पता लगाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उस वो टीम कल उज्जैन में थी, उसमें आदरणीय सज्जन भैया, मैं, वहाँ के लोकल MLA, तमाम नेता गए और हमने वहाँ महाकाल लोक में जाके हर चीज़ बारीकी से देखी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने और उसके चलते आज आप लोगों को बहुत सारी बिंदुओं से अवगत कराएंगे कि कितना भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है। हमारे साथ वहाँ कुछ शिल्पकार भी गए थे जो कि एक्सपर्ट हैं मूर्तियाँ बनाने में। उनका कहना था कि 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार इनको बनाने में हुआ है। जो कीमत मूर्ति की रही है, रही होगी, वो किसी भी हालत में 3 लाख प्रति मूर्ति से ज़्यादा नहीं होती थी, पर जितना पैसा उसमें दिया गया, आगे आदरणीय सज्जन भैया आपको डिटेल में पूरे इसमें बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आदरणीय सज्जन भैया आपको मैं साक्ष्य बताएंगे। कल जिस तरह से ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने हाथ धोने की कोशिश करी, पर उनके हाथ भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये वो लोग हैं बीजेपी के जो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान के काम में भी भ्रष्टाचार करते हैं। डिटेल में आदरणीय सज्जन भैया आपको बताएंगे। मैं सज्जन भैया से कहती हूँ कि वो आपको संबोधित करें।
छोटा बच्चा खड़ा है उसे बताया जा रहा है कि 9 साल से वो इंतजार कर रहा था मोदी जी से मिलने का। गजब मैनेजमेंट है भाई, गजब। एक छोटी सी चीज़ को इवेंट बना देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी पॉइंट तो इतने सारे हैं। प्रतिलिपि, ये प्रतिलिपि हम लोग आपको एक सब नहीं, एक बड़ा पॉइंट और है। यहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेबोरेटरी स्थापित होती है, लेब स्थापित करना पड़ती है। लेब स्थापित नहीं की गई। यदि लेब स्थापित होती क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो इंजीनियर बार बार देख सकता था कि क्या क्वालिटी क्या हो रहा है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में लेब स्थापित इसलिए नहीं की गई कि इनको भ्रष्टाचार करने का मौका सही रूप से मिल जाए। जो कि प्री कंडीशन था टेंडर में कि लैब एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जहां इतनी सारी मूर्तियां लग रही है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, जो कि लैब नहीं लगी। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से बड़ा करप्शन हुआ। इसी तरह से जब ये लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने 24 नवंबर 2022 में, और सॉरी 11 अक्टूबर 2022 में लोकार्पण किया था इसका, और एक टेंडर उसके एक माह बाद 24 नवंबर को 96 लाख का एक टेंडर फिर निकाला इसके मेंटेनेंस का। मतलब एक लोकार्पण के एक महीने बाद 96 लाख का टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, और उसके बाद भी ये तमाम मूर्तियां तहस नहस हो जाती है एक छोटी सी अंधड़ में। तो ये दिखाता है किस तरह का बड़ा करप्शन इसमें हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हमारे विधायक, लोकल विधायक महेश ने, परमार ने इसके लोकार्पण के एक महीने बाद लोकायुक्त में शिकायत करी थी, और लोकायुक्त के डीजी तब कैलाश मकवाना जी थे, उन्होंने 15 अधिकारियों को नोटिस दिया था, तो उनको सजा ये भुगतनी पड़ी कि 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया, जिससे कि इनका काला चिट्ठा नहीं खुल पाए। पर महाकाल की नगरी है, बाबा महाकाल ने स्वयं इनके असली चेहरे को जनता के सामने ही वो लेके आए हैं कि किस तरह से महाकाल लोक में बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, और जो 50% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है उससे और आगे जाके इन्होंने इस पूरे महाकाल लोक में 80% से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। वहाँ मूर्तिकार स्वयं कल हमारे साथ थे, एक रिंकू जी आइए सामने, एक सुंदर गुजर और रिंकू, एक रिंकू जी हैं, ये भी मूर्तिकार है, ये भी आपको बता सकते हैं। साथ ही कल गुजर जी उज्जैन भी हमारे साथ गए थे, जिन्होंने पूरी तरह से हमको बताया कि किस तरह ये मूर्तियाँ बामुश्किल 3 लाख रुपये में एक मूर्ति बेस्ट क्वालिटी की, इस क्वालिटी की नहीं जो बनी है, बेस्ट क्वालिटी की, जिसमें इतना मोटा ये लगना था, जिससे कि सिक्योरिटी रहती, वो गिरती नहीं, टूटती नहीं, क्रैक नहीं आते सब पर, वो नहीं इस्तेमाल करके ये मूर्तियाँ बनाई गई, जो कि बहुत ही हल्के क्वालिटी की हैं, जो वहाँ हैं अभी वो भी किसी भी दिन भी गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, न तो फाउंडेशन। सैटेलाइट टाउन बनाया गया था, और बड़े बड़े जो महात्मा थे उनके पांडाल लगे थे वहाँ। उस समय सीएस के समय जो तेज आंधी चली वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है। फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्त ऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को, मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है, आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ, मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7 स्टार होटलें, 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और, यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के
मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनों एक महीने तक क्रूनों का इवेंट चला था, क्रूनों जोपुर चीते का एक महीने नेशनल टीवी हो था। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्रूनों चीते चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्त ऋषि महाकाल लोग की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें। जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीज़ों को अच्छे ढंग से उजागर होके किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते हैं लोग, धर्म या धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं, छोटी सी घटना को इवेंट बना देते हैं। अभी लोकसभा के भवन का उद्घाटन हुआ, कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं जो महाकाल लोक में देख रहे हैं, और शर्मनाक है ये। 4 लाख में अभी ये मूर्तियां 10 से 12-13 फीट की हैं। सिंधी समाज ने उज्जैन के एक मूर्ति 25 फीट की उसी कलाकार से 4,10,000 रुपये में बनाई, 25 फीट ऊंची मूर्ति। ये इनकी 10 से 12-13 फीट की मूर्तियां थी जो 10.5 लाख रुपये एक मूर्ति का पेमेंट किया, और सिंधी समाज ने 25 फीट की मूर्ति उसी कलाकार से जिसने ये मूर्तियां गुजरात की कंपनियों ने बनाई, उज्जैन में रहता हो, उसने 4,10,000 में वो इतनी बड़ी मूर्ति बना के दी 25 फीट की, और इससे मजबूत। देखिए लोकायुक्त तो हम तो ये मांग करते हैं कि सीटिंग हाई कोर्ट जज साहब इसकी जांच करें, ताकि सीटिंग जज साहब रहेंगे तो थोड़ा ढंग से इसकी जांच हो जाएगी। सारे प्रूफ हम सारे तथ्य हम उनको दे देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिवराज चौहान कभी इस बात को मानेंगे नहीं कि किसी सीटिंग जज से वो इसकी इंक्वायरी कराएं। अब ये हम लोग बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये सारे तथ्य कल दिन भर हम थे, सारे तथ्य हमने एकत्रित कर लिए। जो मूर्तिकार हैं, बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, वो लोग हमारे साथ थे, टेक्निकल लोग साथ में थे। अब हम निश्चित रूप से इस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने वरिष्ठों के साथ बैठ के क्या आगे हमें कदम बढ़ाना है, हम उधर कदम बढ़ाएंगे। और हम इवेंट नहीं बना पाते किसी चीज़ को, किसी घटना को, जिस तरह बीजेपी बनाती है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बीजेपी के लोगों को। सरकार डंके की चोट पे आएगी कांग्रेस की, उस समय कई लोग जेल में पड़े हुए मिलेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।